इसराइल हमास युद्ध के बाद लाल सागर में हूती ने भीषण कहर बरपाया है, जो अब लाल सागर से आगे बढ़कर हिंद महासागर और अरब सागर तक पहुंच चुका है। हूती लगातार इन सभी समुद्री रूटों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का समुद्री व्यापार बुरी तरह से चरमरा गया है। और तो और, अब हूती की मिसाइलें सीधे तेल अवीव में आकर गिर रही हैं, जिसकी वजह से इसराइल के सामने अपनी सुरक्षा की चौतरफा चुनौती खड़ी हो गई है। लेकिन अब हूती ने एक बार फिर से लाल सागर और हिंद महासागर में दहशत मचा दी है। दरअसल हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने ऐलान किया है कि हूती के लड़ाकों ने लाल सागर और हिंद महासागर में दो बड़े हमले किए। हूती का कहना है कि उसने लाल सागर में अमेरिकी ऑयल टैंकर ओलंपिक स्पिरिट पर 11 बैलिस्टिक मिसाइलें और 2 ड्रोन हमले किए हैं। نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت من خلالها سفينة أولمبيك إسبريت النفطية الأمريكية وقد تم استهداف السفينة في البحر الأحمر ب11 صاروخا باليستيا وطائرتين مسيرتين وقد أصيبت إصابة مباشرة وبالغة بفضل الله ونفذت العملية بشكل مشترك بين القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية वहीं हूती दूसरा हमला हिंद महासागर में किया है। हूती के प्रवक्ता याह्या सारी के मुताबिक उनके लड़ाकों ने हिंद महासागर में एसटी जॉन जहाज पर एक क्रूज मिसाइल दागी, जो सीधे जहाज पर जा गिरी है। العملية الثانية نفذتها القوة الصاروخية بصاروخ مجنح استهدفت سفينة سينت جون في المحيط الهندي وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله وتم استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة हूती का कहना है कि एसटी जॉन जहाज की कंपनी ने फिलिस्तीनी बंदरगाह पर एंट्री पर लगे बैन का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से उसके जहाज पर यह हमला हुआ। इसके अलावा जनरल याह्या सारी ने यह भी कहा कि हूती घोषित समुद्री इलाके में अपने हमले तब तक बंद नहीं करेगा जब तक कि इसराइल की आक्रामकता गाजा और लेबनान के ऊपर से खत्म नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ हूती के मुखिया सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने इसराइल पर हमले के 1 साल पूरे होने पर एक अहम बयान दिया। अब्दुल मलिक ने अपने बयान में कहा कि हूती के हमलों का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा ये निकला कि उसने लाल सागर, अदन की खाड़ी, बाब अल मंडेप और अरब सागर में इसराइल की आवाजाही ठप कर दी है। आपको बता दें कि लाल सागर में हूती के हमलों से पूरी दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री चरमरा गई है। एक अनुमान के मुताबिक इस रूट पर 1 साल में करीब $1 ट्रिलियन का सामान होकर गुजरता था, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास के गाजा पर हमले के बाद से ये रूट पूरी तरह से ठप पड़ गया है। हूती का दावा है कि उसने गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से अभी तक 80 मालवाहक जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जबकि एक जहाज अभी भी हूती की कैद में है। इसके अलावा हूती के हमलों में 2 जहाज लाल सागर में डूब चुके हैं, वहीं इन हमलों में 4 सेलरों की जान भी चली गई है। हालांकि हूती को रोकने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के भीतर हूती के कई ठिकानों पर हमले किए। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के होडेडा बंदरगाह पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की थी, और इस हमले को लेकर अमेरिका ने कहा था कि उसने हूती के तेल हथियार भंडारण को निशाना बनाया। इसके अलावा इस इलाके में कई बिजली घरों पर भी हमले हुए, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद हूती टस से मस नहीं हुआ है। बाबा 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 बाबा